रीवा मध्य प्रदेश के लक्ष्मण बाग जमीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। अमित सिंह ने जारी की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में कहा कि लक्ष्मण बाग की स्थापना महाराजा रघुराज सिंह जी के 1841 में वैष्णव पंथ अपनाने के बाद 31 जनवरी 1936 में तत्कालीन महाराज श्री गुलाब सिंह जी के स्टे गैजेट में लक्ष्मण बाग संस्थान को चलाने की नियम शर्तें प्रकाशित की। उक्त गैजेट को कंडिका नंबर 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि लक्ष्मण बाग की भूमियों का किसी स्थिति में विक्रय और अंतरण नहीं कर सकते हैं। तदोपरांत आज़ादी के बाद उक्त संपत्ति भारत के राष्ट्रपति के नाम हो गई तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने मार्च 1954 में उक्त संपत्ति के प्रबंधक के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के साथ नियम और शर्तों के अधीन एक अनुबंध किया, जिसमें प्रबंधक कमेटी के लक्ष्मण बाग में संपत्तियों को बेचने अथवा अंतरण करने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। परंतु 31/3/2022 को लक्ष्मण बाग परिसर में हुई रामकथा के उपरांत स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने इस बात की घोषणा करी कि बद्रीनाथ ट्रस्ट 4 करोड़ में लक्ष्मण बाग की जमीन को बद्रीनाथ ट्रस्ट अधिग्रहित करेगा, जिसके मुख्य रूप से मंदिर के अंदर 3 दुकानें एवं अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। उक्त उद्घोषणा की पुष्टि 22/4/2022 के दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई। मेरे द्वारा आज दिनांक प्रेसवार्ता में इस बिक्री की आपत्ति प्रमुख बिंदुओं के आधार पर की गई। लक्ष्मण बाग संस्थान की किसी जमीन को बेचने का अधिकार केवल महामहिम राष्ट्रपति को है। अन्य कोई व्यक्ति यदि बेचता है तो वो शून्य मानी जाती है। लक्ष्मण बाग संस्थान के समिति के किसी भी पदाधिकारी के सेल डील साइन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लक्ष्मण बाग संस्थान की कमेटी बैठकों के स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला की कानूनी हैसियत में बैठते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है रीवा में एक लक्ष्मण बाग संस्थान की रक्षा के लिए। लक्ष्मण बाग संस्थान में आस्था रखने वाले लोगों को ये जानना चाहिए कि ये विषय हम लोग क्यों उठाना चाह रहे हैं। हमारे समाज सेवी साथी बीके माला जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय की शुरुआत की। 22 अप्रैल को दैनिक भास्कर ने एक अपने आर्टिकल के तहत ही बताया। उसमें विषय क्या है बहुत संक्षेप में हम समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विषय है लक्ष्मण बाग की बद्रीनाथ स्थित जमीन। 25 डिसमिल की जमीन है बद्रीनाथ के मंदिर के बाजू में। उस जमीन से बद्रीनाथ स्वामी के दर्शन और श्रृंगार का की व्यवस्था रीवा राज्य के द्वारा होती थी, जो अब लक्ष्मण बाग की जिम्मेदारी है। लक्ष्मण बाग संस्थान बना 1841 में। महाराजा रघुराज सिंह जी जब मुकुंदाचार्य जी के प्रभाव में वैष्णव हुए तो उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण बाग संस्थान की स्थापना की 1841। उसके तदोपरांत ये पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई महाराजा गुलाब सिंह जी की। 1936 में उन्होंने इसके प्रबंधन के संबंध में गाइडलाइंस जारी की थी। 36 में जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें कंडिका क्रमांक 4 में उन्होंने कहा था कि इसकी किसी भी तरह की ज़मीन की बिक्री या दूसरे तरह का ऐसा कार्य जिसे टाइटल ट्रांसफ़र होगा परमिटेड नहीं है, और अगर ऐसा किसी के द्वारा कभी भी किया जाता है तो उसको शून्य माना जाए। तदोपरांत मध्य प्रदेश शासन ने उसके बाद ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश सरकार को एक समिति बनाने को कहा और उस समिति से मंदिर के प्रबंधन मात्र की जिम्मेदारी दी। कोई सेल का राइट किसी भी समिति को 181 सालों में आज तक नहीं दिया गया है। आज विषय चर्चा में क्यों है, क्योंकि बद्रीनाथ की जमीन की सेल डीड की जा रही है बद्रीनाथ श्राइन बोर्ड के नाम से, ये बता करके कि उस जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। सबसे पहले तो ये तय हो जाए कि बद्रीनाथ श्राइन बोर्ड को हमारे मंदिर की जमीन को अधिग्रहित करने का कोई अधिकार नहीं। ये सब राजनीतिक चापलूसी के लिए किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि किसी भी मंदिर का अगर विस्तार होगा तो हम सहयोगी बनेंगे। हमारा केवल इतना कहना है कि बद्रीनाथ की जमीन बेची नहीं जाए, और यदि बद्रीनाथ संस्थान को हमारे जमीन की आवश्यकता है तो इक्विवेलेंट लैंड उसी परिसर में उसी पर्पस के लिए हमें दिया जाए। विंध्य की जनता अपना अधिकार, अपना मान सम्मान बेचना नहीं चाहती। नंबर 2, विभाग समिति के चलने के तरीके पहले से संविधान में स्थापित किए गए हैं, उसका पालन नहीं किया जा रहा। 2 चीज़ें हमारी आपत्ति है, राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा उस समिति के बैठकों में जाकर के और समिति के द्वारा निर्णय को इन्फ्लुएंस करने से। समिति का संविधान बहुत पक्का है। मध्य प्रदेश शासन ने भी 24 जनवरी 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई अशासकीय व्यक्ति उस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, और अगर कोई अशासकीय व्यक्ति उस समिति में आ सकता है तो केवल मानदेय पर आएगा। उसकी सर्टन तनख्वाह या उसका कुछ काम मेंशन होगा और उसको तनख्वाह मिलेगी, उस तनख्वाह की जानकारी कलेक्टर को दी जाएगी।
यदि राजेंद्र शुक्ल जी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो समिति में नहीं आ सकते, और अगर किसी मानदेय पर आते हैं तो उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। ही कैन नॉट ज्वाइन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रिटेनिंग द मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। अगर वो किसी मानदेय पे लक्ष्मण बाग की समिति में हैं तो वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कानून में बहुत स्पष्ट है। तो शासन को ये बताना होगा कि स्थानीय विधायक किस हैसियत से लक्ष्मण बाग के डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, क्योंकि 22 तारीख के की जितनी भी जानकारी भास्कर को दी गई है रामकथा के बाद राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा घोषणा की गई, इट्स इन पब्लिक डोमेन। दूसरा विषय, अगर कोई कहता है प्रशासकीय व्यक्ति कि स्थानीय विधायक होने के नाते वो इसमें आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, सबका स्वागत, पर क्या लक्ष्मण बाग की संपत्ति अन्य विधानसभाओं में नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के अन्य जगहों पे नहीं है? क्या भारत के अन्य जगहों पे नहीं है? सांसद शुक्ला का इसमें एक मिनट दीजिए, क्या सांसद रीवा का उस समिति में होने से नुकसान होगा? क्या राज्यसभा सांसद राजमणि जी का उस सभा में होने का या समिति में होने से कोई नुकसान होगा? क्या अन्य सात विधायक जिनके जगहों पर भी लक्ष्मण बाग के संस्थान, उनका समिति में आने का कोई विरोध करेगा? सबका स्वागत है, अगर जनप्रतिनिधि आए सारे आए और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उसमें कार्य हो। ये संस्था को बेचकर 3 दुकान बना देंगे, डामर कर देंगे, समदड़िया बाग नहीं बनाना उसको। अब श्रीमान रुक जाएं, हदें पार कर चुके हैं, ज़रूरत है कि विंध्य के जो लोग ये चीज़ समझते हैं तत्काल उसको रोकें। जी आपको पूछना, ये क्या नियम विरोध है, आप इसमें क्या? भाई साहब बहुत स्पष्ट मैंने कहा कि अगर कोई समिति बनेगी तो राज्य सरकार के कर्मचारियों की बनेगी। वो समिति इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोई और एक्सपर्ट को लेना चाहते हैं तो एक सर्टेन तनख्वाह में लेंगे, एक मानदेय में लेंगे। तो डेफिनेट है कि राजेंद्र शुक्ला जी कोई सरकार के कर्मचारी तो है नहीं, वो विधायक हैं, प्राइवेट व्यक्ति हैं। क्या वो किसी मानदेय पर आए हुए हैं समिति में? अगर मानदेय पर आए हैं तो क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज उनके ऊपर नहीं लगेगा? क्या विधानसभा की सदस्यता उनकी वैध रहेगी? तो इसमें बद्रीनाथ साइन बोर्ड, समिति सदस्य, इन सब में किसका इन्वॉल्वमेंट आप मानते हैं? क्या कहां से विसंगति उत्पन्न हो रही है? ये राजनीतिक चाटुकारिता का परिणाम है। बद्रीनाथ श्राइन बोर्ड बनाने में भारत के प्रधानमंत्री की रुचि है, उनकी चाटुकारिता करने के लिए ये सब किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण बाग की जमीन का टाइटल लक्ष्मण बाग के पास रहते हुए भी वो सभी तरह के विकास संभव है, कोई आवश्यकता नहीं। और यदि 3 करोड़ रुपये की दिक्कत हो तो विंध्य क्षेत्र की आबादी के 1.5 करोड़ लोग हैं, 2-2 रुपया भी एक आदमी देगा तो 3 करोड़ रुपया लक्ष्मण बाग संस्थान को दिया जा सकता है। अगर उनका सामर्थ्य नहीं है तो हम सब समाज सेवी मिल करके लक्ष्मण बाग के लिए भीख मांगने के लिए तैयार हैं, 2-2 रुपया प्रति व्यक्ति इकट्ठा करके दे देंगे 3 करोड़ रुपया। अभी मात्र वहाँ 25 डिसमिल जमीन देखी जा रही है, आपको लगता है कि रकबा और बढ़ सकता है? वैसे हमारी आपत्ति ये नहीं है, बद्रीनाथ में हमारी केवल 25 डिसमिल, ऐसे पुरी भेज दीजिए, ऐसे बालाजी भेज दीजिए, ऐसे ही रामेश्वरम भेज दीजिए, ऐसे दिल्ली भेज दीजिए, कोई ना कोई कारण निकाल लेंगे। लक्ष्मण बाग में बचे क्या? अस्तित्व तो नष्ट हो जाएगा लक्ष्मण बाग का, अगर यही तरीके से इसी सोच के साथ लक्ष्मण बाग का संधारण किया गया तो। महाराजा पुत्रा सिंह का इसमें क्या रोल है, उनके द्वारा क्यों विरोध किया गया? मुझे लगता है वो मूक दर्शक रहते हैं, अपने हितों की और रीवा की रक्षा करते हुए उनके सामने मीटिंग्स में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, मुस्कुराते बैठे रहते हैं, या तो समझ नहीं पाते हैं या गुमराह किए जाते हैं या इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। उनको और सक्रिय और मजबूत भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यदि प्रशासन आपकी मांगों का ध्यान नहीं देता तो अगला कदम क्या होगा? भाई साहब सीधी सी बात है, गुरुद्वारे की रक्षा के लिए किसी हद तक जाएंगे, पहले कह दिया 3 करोड़ भीख मांग के चुका देंगे, नहीं तो व्यापक जन आंदोलन होगा।